नमस्कार। आपने कैंसर के बारे में तो जरूर सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि कैंसर एक गंभीर समस्या होती है, एक खतरनाक समस्या होती है जिसका इलाज कभी कभी संभव ही नहीं हो पाता है, या फिर कह लें कि ऐसी एक समस्या होती है जिसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है, या कुछ केसेज में पेशेंट की मौत भी हो जाती है। ऐसे भी बहुत सारे केसेज आपने सुने होंगे कैंसर के बारे में, चाहे फिर वो ब्लड कैंसर हो, स्किन कैंसर हो, माउथ कैंसर हो, लंग कैंसर हो, ऐसे तरह तरह के कैंसर हमारे शरीर में होते रहते हैं। कुछ का इलाज हो पाता है और किसका इलाज संभव ही नहीं हो पाता है। ऐसे ही कैंसर के बारे में आज की वीडियो हम समझने वाले हैं, जिसको बोलते हैं पीनियल कैंसर। बेसिकली जो पीनियल कैंसर है, ये पूरी तरह से पुरुषों के अंदर होने वाला कैंसर है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसा कैंसर हो सकता है जो पुरुषों के अंदर सिर्फ होगा, महिलाओं के अंदर नहीं होगा। जी हाँ, ये जो कैंसर है वो पूरी तरह से पुरुषों के अंदर होने वाला कैंसर है। बेसिकली जो पीनियल कैंसर होता है वो एक तरह से पेनिस में, पुरुषों के जननांग में जो पेनिस उपस्थित होता है उसके अंदर होने वाला कैंसर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से पुरुषों में होने वाला कैंसर है। तो आज की वीडियो हम समझेंगे कि पेनिस में होने वाला कैंसर या फिर पीनियल कैंसर आखिर होता क्या है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये कितने तरह का होता है, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, और आखिर में हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए हम समझते हैं कि पीनियल कैंसर आखिर होता क्या है और क्या क्या कंडीशन बन जाती हैं जिस वजह से पीनियल कैंसर की समस्या हमारे शरीर में हो जाती है। एक फिगर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको एक फिगर दिख रहा है, बेसिकली ये है मेल जेनाइटल पार्ट। मेल जेनाइटल पार्ट का मतलब हुआ पुरुषों का जननांग, या इसी को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, या फिर इसके दो हिस्से होते हैं। पहला आपको जो लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेसिकली ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेनिस। और यहां पर जो आपको एक थैली जैसी आकृति दिख रही है या फिर पाउच जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, पेनिस बेसिकली यूरिन को पास आउट करने का काम और साथ ही साथ स्पर्म को पैसेज देने का काम करता है ड्यूरिंग क्वाइटस। जब क्वाइटस हो रहा होता है, ऐसे में स्पर्म जो होते हैं मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर इस पेनिस के माध्यम से ही एंटर करते हैं। ये जो स्क्रोटम होता है, जो थैली जैसी आकृति होती है, इसके अंदर उपस्थित होते हैं टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिकल्स कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, ओवल शेप में टेस्टिकल्स उपस्थित होते हैं। बेसिकली ये जो टेस्टिकल्स होते हैं वो पेयर में उपस्थित होते हैं, यानी कि दो की संख्या में उपस्थित होते हैं, और इन्हीं के अंदर निर्माण होता है स्पर्म का। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक सी बात मेल जेनाइटल पार्ट के बारे में। अब हम समझते हैं कि पीनियल कैंसर आखिर होता क्या है और किस जगह पे हो जाता है। मैंने बताया कि इसके दो पार्ट होते हैं मेल जेनाइटल पार्ट के, पहला होता है पेनिस और दूसरा होता है स्क्रोटम। बेसिकली जो पेनिस होता है इसी के अंदर कैंसर सेल डेवलप हो जाती हैं, या फिर इसी में कैंसर हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम पीनियल कैंसर या फिर पेनिस में होने वाला कैंसर। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह के पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये आगे आपको रेड कलर का हिस्सा मैंने अलग से बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक है, ये आगे का हिस्सा होता है, इसके ऊपर कोई स्किन की लेयर नहीं होती है, जनरली नहीं होती है, कभी कदा कुछ पुरुषों में इसके ऊपर भी स्किन देखी जाती है। ठीक है, इसके बाद ये जो हिस्सा है, यानी कि जो ग्लांस पेनिस है, उसके बाद का जो हिस्सा होता है वो होती है मेन बॉडी, यानी कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली उसके ऊपर एक पतली सी स्किन की कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, जो पीछे वाला देखिए, जो ग्लांस पेनिस होता है वो पूरी तरह से ओपन होता है, इसके ऊपर कोई स्किन नहीं होती है जनरली, कभी कदा कुछ पुरुषों में होती भी है, वो पीछे आराम से हो जाती है, या फिर पीछे वो पीछे की तरफ वो खिसक जाती है। ठीक, लेकिन जो मेन बॉडी होती है, जो ये पीछे वाली जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है, बेसिकली इसके ऊपर स्किन होती है बहुत पतली सी, उसको बोलते हैं फोर स्किन। वो इससे अटैच होती है, ठीक है, वो पेनिस से अटैच होती है। मेन पार्ट तो ये होता है ग्लांस पेनिस। ठीक, तो जो कैंसरस सेल होती हैं बेसिकली, या फिर जो पीनियल कैंसर होता है, वो कुछ यहाँ पे, ठीक है, ये जो इस एरिया है उस जगह पे डेवलप हो जाती है, यानी कि ये जो स्किन है जिसको बोलते हैं फोर स्किन के अंदर किसी वजह से कुछ यहाँ पे कैंसरस सेल डेवलप हो जाती हैं और बेसिकली पूरे पेनिस को इफेक्ट कर देती हैं, इसी को बोलते हैं पीनियल कैंसर। ठीक है, पीनियल कैंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में, कि कितने तरह का पीनियल कैंसर हमारी बॉडी में हो सकता है। ठीक है, पहले की अगर हम बात करें तो ये है स्क्वेमस सेल और एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा। एपिडर्मॉइड बेसिकली एपिडर्मिस में जो होता है वो स्किन के लिए यूज होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैंसर है वो पूरी तरह से इस फोर स्किन के अंदर होता है। मैंने बताया कि पेनिस के ऊपर एक बहुत पतली सी थिन लेयर होती है स्किन की, जिसको बोलते हैं फोर स्किन के अंदर ये कैंसरस सेल डेवलप होती हैं, जिसको बोलते हैं स्क्वेमस सेल और एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा। 95% केसेस में, ठीक है, मैं यहां लिख दूं,
95% केसेस में, यानी कि जो भी पीनियल कैंसर होते हैं उसमें से 95% केसेस में एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा होता है। ऐसे तो पीनियल कैंसर एक बहुत ही रेयर समस्या है, यानी कि बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, जल्दी किसी में नहीं होती, लेकिन जितने भी लोगों में होती है उनमें से 95% केसेस एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा या फिर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के केसेस होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये जो कैंसर है वो बेसिकली फोर स्किन में डेवलप होता है। अब सेकंड की अगर बात करें तो ये है सार्कोमा। सार्कोमा बेसिकली, आपको मैं बता दूं कि भाई ये जो पेनिस है वो हमारे बॉडी का हिस्सा है, ठीक है, मेल बॉडी का हिस्सा है। अब जब बॉडी का हिस्सा है तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स आएंगी। ये चूंकि मोटा होता है, थोड़ा सा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो किसी भी स्ट्रक्चर के बनने के लिए आपको पता है कि उसके अंदर सेल्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं, या फिर वो एक तरह का मस्कुलर बॉडी है, तो यहाँ पे मसल्स भी उपस्थित होंगी। तो जो यहाँ पे मसल्स उपस्थित होती हैं, यहाँ पे जो फैट की हल्की फुल्की जो लेयर होती है, या फिर यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आई होती हैं बेसिकली इसको एनर्जी देने के लिए, इसे न्यूट्रिएंट्स देने के लिए यहाँ की सेल्स को, यहाँ की टिश्यूज को, उसके अंदर हो जाता है जो कैंसर, उसको बोलते हैं सार्कोमा। ठीक है, सार्कोमा का मतलब हुआ कि ऐसा पीनियल कैंसर बेसिकली जो यहाँ पे उपस्थित, यानी कि पेनिस में उपस्थित ब्लड वेसल या फिर मसल्स के अंदर हो जाता है, उसे बोलते हैं सार्कोमा। अब बात कर लेते हैं थर्ड के बारे में। थर्ड जो है वो है मेलेनोमा। आपको पता है कि हमारी बॉडी को कलर देने का काम करता है एक पिगमेंट जिसको बोलते हैं मेलानिन। ठीक है, मेलानिन की वजह से ही किसी का कलर डार्क और किसी का कलर लाइट होता है। देखिए होता क्या है कि जब मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है तो व्यक्ति का कलर डार्क होता है, मेलानिन की मात्रा कम होती है तो व्यक्ति का कलर लाइट होता है। अब चूंकि ये जो जेनाइटल पार्ट है, आपने देखा भी होगा कि इसका जो कलर होता है बॉडी की कंपैरिजन में थोड़ा डार्क होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेलानोसाइट सेल्स या फिर मेलानिन का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में, यानी कि जो थर्ड हमारा है मेलानोमा में, मेलानोमा में होता क्या है कि जो पीनियल कैंसर है वो इन सेल्स के अंदर हो जाता है, यानी कि जो मेलानोसाइट सेल्स होती हैं जो कलर प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को बेसिकली, उनके अंदर होने वाले कैंसर को हम बोलते हैं मेलानोमा। अब फोर्थ जो आता है वो आता है बेसल सेल कार्सिनोमा। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, जितने भी पीनियल केसेस देखे जाते हैं या पीनियल कैंसर के केसेस देखे जाते हैं उनमें से सबसे रेयर जो होता है वो होता है बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा इसके अंदर जो डीप में, ठीक है, बाहरी हिस्से पे नहीं, पेनिस के बाहरी हिस्से पे नहीं, अंदर के हिस्से में जो सेल्स होती हैं बेसिकली उनके अंदर होने वाला कैंसर है। और ये जो बेसल सेल कार्सिनोमा है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, यानी कि इसके लक्षण जल्दी से नहीं दिखाई देते हैं, ये बहुत धीरे धीरे से पेनिस के अंदर डेवलप होता है और बहुत टाइम बाद इसका असर दिखाई देता है। ऐसे केसेस में बहुत ही कम चांसेस बचते हैं आपके ट्रीटमेंट के। ठीक है, ऐसे तो पीनियल कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत आसान है, आराम से हो जाता है, अगर आपके इनिशियल स्टेज में या फिर स्टार्टिंग स्टेज में पता चलता है तो ऐसे में बहुत आराम से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन बेसल सेल कार्सिनोमा की कंडीशन में ये जो सेल्स हैं बेसिकली, जो डीप सेल्स होती हैं पेनिस की, उसके अंदर कैंसर सेल डेवलप होने लगती हैं या फिर वो कैंसर सेल में डेवलप होने लगते हैं, जिस वजह से हमको लक्षण ही नहीं आते, और तब आते हैं जब इसकी कंडीशन या फिर जो कैंसर होता है वो जब बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है पेनिस में, तब जब पता चलता है। तो ऐसे में ऑपरेशन करके या सर्जरी करके भी, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ट्रीटमेंट उसके हो सकते हैं, ऐसे में इलाज इसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये रहे चार तरह के पीनियल कैंसर। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेज के बारे में कि किन कारणों की वजह से बेसिकली मेल के अंदर या पुरुषों के अंदर पीनियल कैंसर की समस्या हो जाती है। देखिए पहला जो सबसे बड़ा कॉज है, इसको रहने दीजिए, ठीक है, मैं लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बता दूंगा आपको। पहला जो कॉज है बेसिकली वो है एक तरह का वायरस जिसको बोलते हैं पैपिलोमा वायरस। ठीक है, इसको बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख दूँ, नहीं मैं यहाँ मिटा दूँ, एक सेकेंड लगेगा, मैं मिटा दूँ। चलिए, एक तरह का वायरस होता है जिसको बोलते हैं पैपिलोमा वायरस होता है। ठीक है, देखिए ये जो वायरस होता है वो हमारे पेनिस में या फिर मेल बॉडी के, मेल में जो पेनिस होता है उस पर अटैक कर जाता है, उस वजह से पेनिस की जो सेल्स होती हैं वो कैंसरस सेल में डेवलप होने लगती हैं। बेसिकली ये जो पैपिलोमा वायरस है वो यहाँ पे उपस्थित जो सेल के अंदर डीएनए होते हैं उनके अंदर डिस्ट्रक्शन लाता है या फिर उनके अंदर म्यूटेशन की कंडीशन लाता है, जिस वजह से कैंसरस सेल डेवलप होने लगती हैं और पीनियल कैंसर के चांसेस बढ़ जाती हैं। दूसरा जो आता है वो आता है एज की वजह से। ठीक है,
वो होता है एज। जैसे ही पुरुष 60 प्लस होता है, ठीक है, 60 प्लस जब पुरुष होता है तो ऐसे में उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाती है। और अगर मान लीजिए कि किसी तरह का वो नशा करता है या फिर वो स्मोकिंग करता है बेसिकली, ठीक है, अगर वो स्मोकिंग करता है तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि जो स्मोक होता है, जो स्मोकिंग में हम निकोटीन लेते हैं, वो हमारे अंदर कैंसरस सेल को डेवलप करने का काम करता है, हमारे जो सेल्स में डीएनए मौजूद होते हैं उनको वो डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है, फिर उनके अंदर म्यूटेशन लाने का काम करता है, जिस वजह से कैंसरस सेल डेवलप हो सकती हैं। तो जैसे ही 60 प्लस होता है, ऐसे में मेटाबॉलिक रेट जो है वो गिर जाता है और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। उसकी वजह से जो स्मोकिंग का असर है या फिर जो टोबैको का असर है, बेसिकली जो निकोटीन का असर है, वो हमारे सेल्स पे आने लगता है, जिस वजह से यहां पे यानी कि पेनिस में पीनियल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। अगले अगर हम बात करें कॉजेज के बारे में, तो अगला जो है वो है एचआईवी या फिर एड्स की वजह से भी। देखिए एचआईवी, ठीक है, एचआईवी या फिर एड्स बेसिकली, ठीक है, ये आपको पता है कि एक तरह की एसटीज में आता है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आता है, ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। आपने एचआईवी के बारे में सुना होगा, आपने एड्स के बारे में सुना होगा, एचआईवी एक तरह का वायरस होता है, एड्स जो है वो सिम्टम इसके होते हैं, ठीक है। एचआईवी कोई बीमारी नहीं होती, एचआईवी एक तरह का वायरस होता है और इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। ये जो वायरस होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करता है या फिर हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, जिस वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसको बोलते हैं एड्स, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो हमारे इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा या फिर कमजोर पड़ जाएगा, तो ऐसे में कैंसरस सेल्स पेनिस के अंदर डेवलप होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। एक और कॉज आता है बेसिकली, वो आता है ये कि यहां पे मैंने आपको बताया कि जो ग्लांस पेनिस होता है, मैंने बताया कि पेनिस है, ठीक है, पेनिस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है ग्लांस पेनिस, दूसरा होता है मेन बॉडी। मेन बॉडी और पेनिस के नहीं सॉरी मेन बॉडी और ग्लांस पेनिस के बीच में यहां पे कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है, यहां पे कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो एक तरह का वाइटी सब्सटेंस को सिक्रीट करने का काम करती हैं। वाइटी सब्सटेंस का मतलब वो सफेद सा पदार्थ सिक्रीट करती हैं, जिसको बोलते हैं स्मेग्मा, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्मेग्मा। स्मेग्मा होता है वो पुरुष बॉडी में यानी कि पुरुष के जो पेनिस होता है वहां पे कुछ ग्लैंड्स के माध्यम से निकलता रहता है इस फोर स्किन के अंदर, ठीक है। टाइम टाइम पे पुरुष को करना ये चाहिए कि फोर स्किन को थोड़ा सा पीछे करके, ठीक है, थोड़ा सा पीछे करके उसे क्लीन करते रहना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए इसकी सफाई नहीं की या फिर स्मेग्मा को साफ नहीं किया, बेसिकली जो स्मेग्मा होता है वो इसके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, लेकिन अगर बहुत दिनों तक स्मेग्मा इसके अंदर यानी कि फोर स्किन के अंदर बहुत दिन तक इकट्ठा रह गया, आपने सफाई नहीं की, तो ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं, बहुत सारे वायरसेज आकर के यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, या फिर चूंकि ये गंदगी हो जाएगी तो एक तरह से इसके अंदर सड़न होने लगेगी, साधारण भाषा में अगर कहें तो एक तरह से स्मेग्मा के अंदर सड़न लगेगी और उस वजह से यहां पे फोर स्किन के अंदर कैंसरस सेल डेवलप होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो बेसिकली ये कुछ कॉजेज हैं जिनके वजह से पीनियल कैंसर के चांसेस बढ़ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर सिम्टम्स की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कैंसर है यानी कि पीनियल कैंसर की जो समस्या है वो पूरी तरह से पेनिस में होने वाली समस्या है। ज्यादातर केसेस में ये स्किन के अंदर होती है, ठीक है, ये जो स्किन है यहाँ पे फोर स्किन है जो पेनिस के ऊपर, इसके अंदर होने वाली समस्या है। अब चूंकि फोर स्किन के अंदर एक समस्या हो जाती है या फिर कैंसर डेवलप होने लगता है, तो ऐसे में जो फोर स्किन है पहले तो ये हार्ड होने लगेगी, ठीक है, ये तुरंत ही हार्ड होना शुरू हो जाएगी। तो पहला तो सिम्टम यही हो गया कि जो स्किन है वो थोड़ी सी हार्ड होने लगेगी, ठीक। सेकेंड जो सिम्टम की अगर बात करें तो यहां पे मैंने बताया कि स्मेग्मा निकलता है जिसकी हमें टाइम टाइम पे सफाई करते रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमने सफाई नहीं की तो इसकी वजह से भी यहां पे कैंसर सेल डेवलप हो सकती है। कैंसर सेल डेवलप होने की कंडीशन में आपके पेनिस से बहुत ज्यादा स्मेल आएगी, बहुत ही बुरी स्मेल आएगी, बहुत ही ज्यादा बदबू आने लगेगी यहां से, और साथ ही साथ ये जो स्किन है बेसिकली जो फोर स्किन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाएगी या फिर इसके अंदर सड़न होने लगेगी, और साथ ही साथ इसके अंदर जो कैंसरस सेल डेवलप हो रही हैं उसके वजह से भी इसकी जो हार्डनेस है वो बढ़ जाएगी। जब हार्डनेस बढ़ जाएगी तो ऐसे में ये जो स्किन है, ये जो फोर स्किन है बेसिकली, वो आपके इस ग्लांस पेनिस के ऊपर भी आना शुरू हो जाएगी या फिर यहां पर यह सड़न पैदा करने लगेगी। बेसिकली एक तरह की बीमारी होती है, इसको बोलते हैं फाइमोसिस, ठीक है, एक तरह की बीमारी होती है, इसको बोलते हैं फाइमोसिस। उसमें होता क्या है कि जो फोर स्किन होती है वो ग्लांस पेनिस के ऊपर होती है और यहाँ पे जो स्मेग्मा निकल रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके अंदर सड़न हो जाती है, और इस वजह से ये जो
फोर स्किन है वो ग्लांस पेनिस के ऊपर जो कवर्ड रहती है बेसिकली उसके अंदर सड़न होने लगता है और फोर स्किन पूरी तरह से इफेक्ट कर जाती है, उसको बोलते हैं फाइमोसिस। तो फाइमोसिस की कंडीशन में भी पेनिस के अंदर या फिर पीनियल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीनियल कैंसर किसी बॉडी में होता है, किसी की बॉडी में, किसी के पेनिस में होता है, तो ऐसे में यहाँ की स्किन हार्ड हो जाएगी या फिर फाइमोसिस जैसी भी कंडीशन आपको दिखाई दे सकती है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपको इंटरनल जो सेल्स होती हैं बेसिकली जो बेसल सेल्स हैं उनके अंदर अगर कैंसर सेल डेवलप हो रही, तो ऐसे में आपको बाहर से तो कुछ नहीं पता चलेगा लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द फील होगा, यानी कि जो पेनिस का एरिया है बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा आपको पेन फील हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ कुछ लंब जैसे आकृति, बेसिकली लंब का मतलब होता है एक छोटा सा लटकी हुई सी कोई स्किनी लेयर इस तरह से निकली हुई आपको दिखाई दे सकती है, या फिर जो फोर स्किन है वो आपके यहां पे लटक भी सकती है। लटकने का मतलब ये होगा कि थोड़ी से आपके पेनिस को बेसिकली जो ग्लांस पेनिस का पीछे वाला हिस्सा जहां पे फोर स्किन चिपकी हुई होती है या फिर उससे अटैच होती है उसको ये छोड़ने भी लग सकती है। तो बेसिकली कुछ इस तरह के सिम्टम अगर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो आपके अंदर कैंसरस सेल डेवलप हो चुकी हैं या फिर कैंसरस सेल डेवलप होने की चांसेस बन रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। पहले हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में। देखिए डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो डायग्नोसिस का तरीका है वो है फिजिकल एग्जाम। फिजिकल एग्जाम का मतलब हुआ कि अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन लग रही है, ऐसा कुछ कंडीशन दिखाई दे रही है, तो ऐसे में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको फिजिकली एग्जामिन करेगा, वो टच करके या फिर देख के वो जानने का प्रयास करेगा कि आपके अंदर कैंसर सेल डेवलप हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। तो ये तो बात हो गई फिजिकल एग्जाम की। दूसरी जो आता है वो आता है बायोप्सी। बायोप्सी में कुछ टेस्ट बेसिकली यहाँ के जो टिश्यूज होते हैं उनका सैंपल ले सकता है डॉक्टर और उसको टेस्ट के लिए भेज सकता है। टेस्ट करके वो चेक करने का प्रयास करेगा कि जो टिश्यूज उसने लिए हैं, जो सैंपल के रूप में जो टिश्यूज लिए हैं यहाँ पे, उसके अंदर अगर कैंसरस सेल डेवलप हो रहे हैं नहीं, जो टिश्यूज लिए हैं या फिर नहीं, जो टिश्यूज लिए हैं, जो सैंपल के रूप में टिश्यूज लिए हैं बेसिकली, क्या उनके अंदर कोई कैंसरस सेल डेवलप हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो ऐसे में आपके अंदर पीनियल कैंसर होने की चांसेस बन जाती हैं। अगर नहीं हो रहे हो तो सीधी सी बात है आपके अंदर कोई और समस्या, यानी कि फाइमोसिस या फिर ऐसी और कोई समस्या हो सकती है। तो बेसिकली बायोप्सी के द्वारा ये पता चल जाता है कि आपके अंदर पीनियल कैंसर की चांसेस हैं या फिर नहीं हैं। थर्ड आती है इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट का मतलब होता है कि आपके इस एरिया पे कुछ रेडिएशन डाल करके, कुछ एक तरह का एक्सरे करके, बेसिकली एक्सरे करके यहाँ की इमेज बनाई जाती है जिसके थ्रू जानने का प्रयास करते हैं कि इंटरनल एरिया में या फिर स्किन के अंदर कहीं पे कैंसर सेल डेवलप हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। साथ ही साथ में MRI भी करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एक तरह की मैग्नेटिक रेज होती हैं बेसिकली जो हमारे ऑर्गन्स पे डाली जाती हैं, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के उनके ऊपर डाली जाती हैं ताकि उनकी एक इमेज तैयार की जा सके। ठीक है, उसी में एक्सरे भी आता है, एक तरह का सॉफ्ट एक्सरे होता है, सॉफ्ट एक्सरे करके, ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोग्राम। बेसिकली मैं यहाँ पे लिख दूँ मोनोग्राम बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मोनोग्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोग्राम। तो मोनोग्राम करके यानी कि इसका एक सॉफ्ट एक्सरे इसके ऊपर डाल करके इसके एक इमेज तैयार की जाती है जिसके थ्रू ये जानने का प्रयास किया जाता है कि पीनियल कैंसर की चांसेस बन रही हैं या फिर नहीं बन रही हैं। अब बात आते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है या फिर क्या क्या प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू पीनियल कैंसर की समस्या से निजात पाई जा सकती है बेसिकली। तो आइए हम समझते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो पीनियल कैंसर होता है उसका अगर इनिशियल स्टेज में या फिर स्टार्टिंग स्टेज में आपको पता चल जाता है आपके पेनिस में दर्द होता है या फिर जो भी सिम्टम मैंने बताया, ऐसे कोई सिम्टम आपके अंदर दिखाई देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर इसका मेडिकेशन के थ्रू यानी कि कुछ दवाएं देकर के भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यहाँ की जो सेल्स जो डेवलप हो रही हैं कैंसर सेल्स में जो बदल रही हैं उनको कुछ मेडिकेशन के थ्रू यानी कि कुछ दवाओं के थ्रू इनको खत्म किया जा सकता है। तो बेसिकली कुछ मेडिकेशन के थ्रू इसका इलाज संभव है। सेकेंड की अगर हम बात करें तो ये है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी का मतलब होता है कि आपका जो पेनिस का एरिया है बेसिकली जो मेल बॉडी में जो पेनिस का एरिया है यहाँ पे कुछ कोल्ड लिक्विड यहाँ पर डाली जाती है और उसके थ्रू यहाँ पर जो सेल्स हैं बेसिकली उनको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जाता है, यानी कि कोल्डनेस से बेसिकली उसको फ्रीज कर दिया जाता है, जो सेल्स होती हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है और इस ट्रीटमेंट के थ्रू इसको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि जो सेल्स होती हैं बेसिकली उनको ब्रेक डाउन करते हैं या फिर उनको तोड़ देते हैं या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्रायोथेरेपी करके इसका इलाज किया जा सकता है। थर्ड जो हमारा है वो है मोस सर्जरी। मोस सर्जरी में बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए आपका जो ये फोर स्किन है उसके अंदर कैंसर सेल डेवलप हो रही हैं, तो बेसिकली जो कैंसर सेल्स हैं उन सबको सर्जरी के माध्यम से निकाल दिया जाता है। ठीक है,
एक तरह की जनरल सर्जरी ही होती है, लेकिन जो कि पेनिस के ऊपर हो रही है इसलिए इसको बोलते हैं मोस सर्जरी। ठीक है, मोस सर्जरी में वहाँ की जो टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर कैंसरस सेल डेवलप हो रही हैं या फिर जो भी कैंसरस सेल्स हैं बेसिकली, उनको कट करके बाहर निकाल दिया जाता है और जिसके थ्रू इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। फोर्थ की अगर बात करें तो यह है लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट में होता क्या है कि आपके स्पेनिस वाले एरिया पे बेसिकली जहाँ पे कैंसर सेल डेवलप हो रही है यहाँ पे कुछ लेजर बीम डाली जाती हैं। वो एक तरह की हाई बीम होती है, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी की बीम होती है जो जाकर के वहाँ की जो सेल्स हो रही होती हैं बेसिकली जो कैंसर सेल पर डेवलप हो रही होती हैं उन्हें वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अगला जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो है सर्कमसीजन। सर्कमसीजन का मतलब होता है बॉडी के उस हिस्से को कट करके निकाल देना जहाँ पे कैंसर सेल डेवलप हो रही है। मान लीजिए चलिए अगर जो पेनिस है उसके इतने हिस्से में कैंसर सेल का डेवलपमेंट हो गया, फिर इतने हिस्से में कैंसर हो गया है, तो इतने हिस्से को कट करके ऑपरेशन के माध्यम से या सर्जरी के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया था, उसी को बोलते हैं सर्कमसीजन। लास्ट जो स्टेप आता है वो आता है रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ कीमो लिखा है, कीमो के बाद थेरेपी है। ठीक है, रेडियोथेरेपी में बेसिकली होता क्या है कि इसके ऊपर कुछ रेडियो वेव डाली जाती हैं, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव डाली जाती हैं जो यहाँ की जो कैंसरस सेल हैं उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं और इस तरह से पीनियल कैंसर से निजात मिल जाती है या फिर पीनियल कैंसर की समस्या को दूर किया जा सकता है। कीमोथेरेपी का मतलब वही मेडिकेशन का मतलब हुआ। कीमोथेरेपी में कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं, कुछ दवाएं दी जाती हैं जिसके थ्रू भी इसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सके, पीनियल कैंसर के बारे में वो जान सकें और अच्छे से जान सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।